एक अमेरिकन साइंटिस्ट इसी दौर में गुजरे हैं, प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल। बहुत बड़े बायोकेमिस्ट्री के दुनिया के बड़े साइंसदानों में एक रहे। आज मुझे इस वक्त इत्तेफाक से उनका वाक़या याद आ गया। बहुत अरसा पहले लखनऊ में जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI, उसकी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो आए थे। वहाँ उन्होंने आप जैसे मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर्स जो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे उनसे उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, आप मुझे उन लोगों से, उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम स्कॉलर से मिलवाएं। तो शहर में बड़े बड़े और उलमा मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाक से वो लोग जो थे रिसर्च स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, वो मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ थे, बेतकल्लुफ़ थे, आसानी से वो मुझसे मिल सकते थे, मिला सकते थे। तो उन्होंने तस्करा किया मुझसे कि प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। वक्त मुकर्रर हुआ और वो आ गए। लेकिन जब वो आए, मैं तो ज़हनी तौर पर यह सोचकर उनका इस्तकबाल कर रहा था एक साइंटिस्ट से मेरी मुलाकात होगी, तो मैं साइंस के रास्ते से कुछ उनसे इस्लाम के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगा। लेकिन जब आए तो वो गेरुए लिबास में थे, सर मुड़ा हुआ था, और साईं बाबा बेंगलोर वाले, वो तो दूसरे जहान में मुंतकिल हो गए, उस वक्त वो ज़िंदा थे, उनका एक क्या कहना चाहिए, वो तस्वीर लटकाए हुए थे। तो फिर मैंने उनसे जब तारुफ हासिल किया तो उन्होंने कहा कि मैं असल में 4 महीने वेदांत का फ़लसफ़ा वहाँ पर रहकर मैंने सीखा है और मैं बहुत मुतासिर हूँ, तो मैंने उसको एडॉप्ट कर लिया है। लेकिन मैं साथ साथ दूसरे मज़ाहिब का मुताला कर रहा हूँ, तो इस्लाम के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। तो मैं चूँकि उस वेदांत के फ़लसफ़े से वाकिफ़ था, हुस्ने इत्तिफ़ाक़ के ये ऐसो इत्तिफ़ाक़ कि मैंने वेदांत को ख़ुद पढ़ा, वेदास पढ़े, उपनिषद और पुराण पढ़े, तो मैं समझ गया कि हो ये इस वक्त किस वादी में है, किस स्टेज में है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसका आप प्लीज़ चंद सेंटेंस में ज़रा समराइज़ कीजिए, खुलासा बयान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बस उसका खुलासा यह है कि इंसान उस वक्त तक निर्वाण उसको नहीं मिल सकता जब तक कि वो अपनी तमाम इंद्रियों को नष्ट न कर दे और बिल्कुल कुचल न दे, क्रश न कर दे अपने तमाम फितरी तकाज़ों को। ये सही तर्जुमानी की उन्होंने, जहाँ तक मेरी बहुत महदूद मालूमात का ताल्लुक़ है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर जॉर्ज, आप एक बात बता सकते हैं कि आप स्टेट्स में किस शहर के हैं? उन्होंने कहा मैं शिकागो के रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा शिकागो में, स्टेट ऑफ इलिनॉइस में कितने लोग हैं जो इसके फ़लसफ़े पर अमल कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ एक बंदा भी नहीं कर सकता, एक इंसान भी नहीं कर सकता, नॉट ए सिंगल मैन और वीमेन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक कितने बड़े साइंटिस्ट हैं और आप ऐसे इसी बात को कबूल कर रहे हैं जो आप खुद कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, कोई कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये कोई करेगा नहीं, जब तक उसका निर्वाण नहीं होगा, और ये कोई करेगा नहीं, लिहाजा किसी का निर्वाण नहीं, कोई इंसान कुछ अटेन ही नहीं करेगा, ये तो आप खुद कह रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, मैं हैरान रह गया कि कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो आपने कहकर मुझको बहुत परेशानी में डाल दी। मैंने कहा कि इरादा मेरा परेशानी से निकालने का है, परेशानी में डालने का नहीं, बिलीव मी। लेकिन मैं इस वक्त वाकई आपको दाद देता हूँ कि आपने सच बात कही, और प्लीज़ आप इस पर संजीदगी से गौर कीजिए। तो कहेंगे ठीक है, मैं गौर करूँगा, लेकिन मुसीबत यह है कि मुझे परसों वापस जाना है, मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, आप मुझे इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैंने उनके हाथ में एक डायरी देखी, मैंने डायरी खोली आप, और कॉलम एक, इसमें 2 कॉलम बनाइए, और अब उस एक कॉलम में आप अपने नेचुरल डिज़ायर्स जो हैं, आपकी जो भी फितरी ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, जज्बात जो भी आपके अंदर उभरती हैं, जो भी आदात हैं, सिफात हैं, कैरेक्टर हैं, वो सब नोट कीजिए, एक जो आपको याद आते जाए। आप लव लिखिए, मोहब्बत लिखिए, नफरत लिखिए, वादा पूरा करना, वादा खिलाफी लिखिए, हया शर्म लिखिए, मॉडेस्टी लिखिए, जनरसिटी लिखिए, टाइम मैनेजमेंट लिखिए, वगैरह वगैरह, जो आपका वो याद आता जाए। मैं खामोश बैठा हूँ, आप लिखिए और एक एक चीज़ बोलते जाइए और फिर आप खुद उसके सामने आपकी फितरत किस चीज़ को लाइक करती है और किस चीज़ को डिसलाइक करती है, आप खुद लिखिए। बहुत अच्छा, वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की तरह बाकायदा वो लिखते रहे। मैं चुपचाप बैठा रहा, शायद 40-45 मिनट हो गए। उन्होंने कहा कि जितनी चीज़ें याद आई वो तकरीबन 50 एंड अबव हैं, वो मैंने लिख ली। तो मैंने कहा अब आप मुझे न बताइए कि आपकी फितरत ने किस चीज़ को लाइक किया, किस चीज़ को डिसलाइक किया, लेकिन एक दूसरा कॉलम जो आपने बनाया है उसमें मैं, आप एक लफ्ज़ बोलते जाइए, मैं बताता जाऊंगा कि इस्लाम किस चीज़ को लाइक करता है, किस चीज़ को डिसलाइक करता है, किस चीज़ को लाइक करता है, किस चीज़ को डिसलाइक करता है। अब वो बोलते गए और मैं इस्लाम के अतबार से उनको बताता चला गया। जब वो पूरा लिख चुके, मैंने कहा अब ज़रा सा आप क्रॉस चेक कीजिए, कहीं पर आपको ऐसी चीज़ लगती है कि फितरत किसी चीज़ को लाइक करती है और इस्लाम उसको डिसलाइक करता हूँ, फितरत की, इंसान की फितरत किसी चीज़ को डिसलाइक करती है और इस्लाम उसको लाइक करता हूँ, कहीं मिलता है आप? तो आप यकीन करें मेरे अजीज़ नौजवानों, ही वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड। वो बिल्कुल, जब वो वहाँ तक पहुँचे तो कहने लगे, व्हाट डू यू मीन मौलाना नोमानी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम इज़ नथिंग बट फितरत, नथिंग। अंदर की एक इंसान की आवाज़ है। ये तो उस मालिक का एहसान है कि उसने हमको हेडेक से बचा लिया, हमारा टाइम बचा लिया, हमारे अंदर की आवाज़ को खुद उसने अल्फाज दे दिए, उसने बाहर से कोई चीज़ हमको नहीं दी। फितरत अल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा ज़ालिका दीनुल क़य्यम। अल्लाहु अकबर, यह है इस्लाम की ताकत और यह है उद्उ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती। क्या मतलब है इसका कि दावत हिकमत के साथ होनी चाहिए। उस वक्त तो अल्लाह का बंदा चला गया, लेकिन बहुत खुश होंगे आप सब, आपके पेशानियों से ईमान का नूर झलक रहा है। तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद उस बंदे का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं इस वक्त शिकागो के इस्लामिक सेंटर से आपको फ़ोन कर रहा हूँ और मैंने अभी कलमे शहादत कबूल किया। लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं। कोई समाज अच्छे इंसानों से और सच्चाई के प्यास से खाली नहीं है। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही ने असल में मार्केटिंग करनी छोड़ दी, हम ही ने लोगों से मोहब्बत करना छोड़ दिया, हम ही ने लोगों पर तिरछी निगाहें डालनी शुरू की, क्योंकि हमने मिजाज दावत, मिजाज नबूवत, अपना कौमी फरीज़ा, अपना असल वो काम, अपना वो मिशन, वो छोड़ दिया।